आपके दम है गट्टे में, आप वास्तव में आप हिंदुओं का हिंदू हुंकार भरवा रहे हैं, आप वास्तव में आप हिंदू स्वाभिमान जगा रहे हैं, तो आपके देखते देखते इस देश से गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो रही है और गौ मांस की तस्करी और सप्लाई इस देश से क्यों नहीं बंद हो रही है? लेकिन अगर कुछ कह दिया जाए, नहीं कुछ कह दीजिए तो अभी पता चला राम विरोधी हम लोग बन जाएंगे। जब आप इस देश में पीठाधीश्वरों को जो है राम विरोधी बता दिया जा रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन ही धर्म धार्मिक कामों में धर्म में ही अपना काम सड़क बनवा रहे हैं। तीसरा इन्होंने एक अच्छा काम ये किया, हिंदुओं के स्वाभिमान को जगा दिया। माने प्रधानमंत्री मोदी जी, माने प्रधानमंत्री कैसे आप कह दिए? एक मिनट शुक्ला जी, आप कहे मोदी जी माने प्रधानमंत्री के नाम आप ये कहिए। विश्वनाथ जी के जो पंचायतन था, जो विश्वनाथ जी की व्यवस्था थी, उसको छिन्न भिन्न किया उन्होंने, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के उन्होंने किया। वहाँ आपको अंडे से बने हुए तमाम सारे पेस्ट्रीज और वो क्या कहते हैं वो केक वगैरह मिलेंगे। क्या हमारे भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर किसी की हिम्मत होनी चाहिए? गंगा जी में क्रूज चलाए आप, उस पर मांस मदिरा का सप्लाई कर रहे, गंगा मैया कौन है? कौन है वो? सुरसरी है, भगवान विष्णु के चलवा रहे हैं। ये पाप हो रहा है, ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। प्रथम भाजपा सरकार द्वारा मिडिल क्लास को खत्म करने के लिए, चाहे वो मतलब प्रोफेशनल के रूप में। मेरे पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है कि मोदी जी के अच्छे कार मैं आपको बता सकूं। लेकिन मैं जानता हूं नहीं काम कर रही है। बहुत नाराज लग रहे हैं। नहीं नाराज नहीं हूं। नहीं नाराज लग रहे हैं आप। नहीं नाराज, अरे कुछ भी तो ऐसा काम किए होंगे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है यही अच्छा बोल दिए। हमारी नजर में तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके दर्शक विरोधी मान लेंगे मोदी जी और भाजपा। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को, हमारे युवाओं को पकौड़ा तलो, चाय बेचो, ये भी अच्छा काम माना जा सकता है। युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है। एज ए इंडियन सिटीजन, मोदी जी के तीन अच्छे काम और तीन ऐसे काम जो आपको पसंद, मोदी जी के काम पसंद नहीं आते, आप गिनवा दीजिए। हाँ, तीन अच्छे काम ये हैं। देखिए मोदी जी जो तमाम, जैसे भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर का उद्धार किया, तो सही बात है, उसकी तारीफ हमारे पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो वर्तमान शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ पर विराजमान हैं, उन्होंने भी तारीफ किया कि वो कौन महारानी थी जो अहिल्याबाई होलकर के बाद जो है ये इन्होंने अहिल्याबाई होलकर के बाद जो है इन्होंने काम किया, बढ़ करके काम किया, ये तारीफ वाली चीज़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी तरह इन्होंने देश में तमाम ये सड़कें वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, दो सड़क बनवा रहे हैं। तीसरा इन्होंने एक अच्छा काम ये किया, हिंदुओं के स्वाभिमान को जगा दिया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब इनके बुरे काम, अब जो है मैं यह कह सकता हूँ, ये तीनों बातें इनकी सुन के, यानी कि हिंदुओं के स्वाभिमान को जगा दिया है, बस उसका फायदा थोड़ा सा उठा रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, देखिए फायदा तो राजनेता है तो लेगा ही। अब उसके तीन बुरे काम सुनिए। विश्वनाथ जी के जो पंचायतन था, जो विश्वनाथ जी की व्यवस्था थी, उसको छिन्न भिन्न किया उन्होंने, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के उन्होंने किया, शास्त्रों के विरुद्ध। भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर जाकर के देखिए, वहाँ आपको अंडे से बने हुए तमाम सारे पेस्ट्रीज और वो क्या कहते हैं वो केक वगैरह मिलेंगे। क्या हमारे भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर के अंदर किसी की हिम्मत होनी चाहिए? नहीं। गंगा जी में क्रूज चलाए आप, उस पर मांस मदिरा का सप्लाई कर रहे, गंगा मैया कौन है? कौन है वो? सुरसरी है, भगवान विष्णु के चलवा रहे हैं। ये पाप हो रहा है, ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। और गौ हत्या ये बंद नहीं करा रहे हैं, गौ हत्या। अगर आपके दम है गट्टे में, आप वास्तव में आप हिंदुओं का हिंदू हुंकार भरवा रहे हैं, आप वास्तव में आप हिंदू स्वाभिमान जगा रहे हैं, तो आपके देखते देखते इस देश से गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो रही है और गौ मांस की तस्करी और सप्लाई इस देश से क्यों नहीं बंद हो रही है? अगर दम है आपके गट्टे में, इसको बंद करिए, हम भी जय जयकार आपकी करेंगे। क्या बात है। तो आपने तीन उनके अच्छे काम और तीन बुरे काम बता दिया। क्या नाम है आपका? राजेश नारायण दुबे। तीन अच्छे काम और तीन बुरे काम मोदी जी के। देखिए तीन अच्छे काम तो ये हैं कि जो उन्होंने बिल लाया ट्रिपल तलाक, जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा दिया, दो खराब कर हटा दिया। तीसरा ये है कि जो सड़कों का जाल बन रहा है, आगमन जो तेजी से बढ़ रहा है लोगों का, इससे आर्थिक विकास भी हो रहा है। अब तीन ऐसे काम बताइए जो आपको पसंद नहीं है। तीन अच्छे काम में आप ये भी कह सकते हैं कि जो किसी सरकार ने मंदिरों का पुनर्निर्माण की बात नहीं सोची वे कर रहे हैं। तीन बुरे काम उनके क्या हैं, जैसे मंदिरों के संबंध में रख लीजिए कि अभी साथी अधिवक्ता भाई ने बताया कि वह मंदिरों का जो भी काम कर रहे हैं वे राजनैतिक लाभ लेने, कितना अधिक से अधिक राजनैतिक लाभ उनको मिल जाए इसके बारे में सोच रहे हैं और अपवित्र कर रहे हैं साफ साफ। जैसे बताए भाई ने कि मांस और मदिरा क्रूज में मिल रहा है, उसके अलावा कुछ बताइए, वो तो उन्होंने बता दिए। हाँ।
जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके बारे में उनका कोई ध्यान नहीं है। एक हुआ जो आप कह सकते हैं कि रोजगार का एक स्रोत, नौकरी देने के लिए नहीं, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की बात नहीं है, वे तो कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी 2 करोड़। कहे थे वही कहे, वे कह रहे हैं, वो अपने बातों पे उस बात को लेकर नहीं चलना है, लेकिन एक जो रोजगार का सृजन करना चाहिए नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे, उस पर नहीं ध्यान दे, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। शुक्ला जी, 3 अच्छे काम बताइए और उसका 3 ऐसे काम बताइए मोदी जी के जो आपको नहीं पसंद है। मोदी जी के ना, तो मतलब केवल ये मोदी जी कर रहे हैं कि उनका 3 काम? जी सर नमस्कार। उनके कार्यकाल का सरकार के, भाजपा सरकार ही, ये आप कह सकते हैं। मोदी जी माने क्या? माने भारत में भाजपा के, माने मोदी जी माने प्रधानमंत्री, मोदी जी माने प्रधानमंत्री, कैसे आप कह दिए? एक मिनट शुक्ला जी, शुक्ला जी आप कहे मोदी जी माने कहा? मोदी जी माने प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम आप ये कहिए कि भाजपा सरकार सत्ता में 3 अच्छे काम बताइए, आप ये कहिए। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप मोदी जी के नहीं, नहीं मोदी जी का मैं नहीं, मैं आप सुन कहा है रिश्याए हैं क्या मोदी जी? नहीं मोदी जी को भाई, मोदी जी मार्केटिंग कर रहे हैं इसलिए हमको उनका बुरा लग रहा है बस। और अब रही बात, आप अपनी बात करिए। हाँ सुनिए जी, मोदी जी के 3 अच्छे काम, भाजपा के 3 अच्छे काम। पहला, सरकार के 3 अच्छे काम जो वर्तमान समय में है। पहला, जो इन्होंने अन्न बांटने का काम किया, जो गरीबों तक राशन पहुँचाने का काम किया, एक ही अच्छा काम है। जो पहले की सरकारें बांटती थी लेकिन कुछ पैसे लेकर देती थी, ये पूरी तरह फ्री देने का कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा चीज, इन्होंने गरीबों को कहता आवास की बात की, ठीक है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो इन्होंने किया, धर्म को लेकर, मंदिर से संबंधित या किसी भी, उसका इन्होंने प्रचार प्रसार भाजपा सरकार ने कर रही है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है। चलिए अब 3 ऐसे काम बताइए जो आपको नहीं पसंद है। 3 अच्छे काम पहले जान लीजिए, हो गया, बुरे काम जान लीजिए। सर्वप्रथम, भाजपा सरकार द्वारा मिडिल क्लास को खत्म करने के लिए, चाहे वो मतलब प्रोफेशनल के रूप में हो या सवर्ण के रूप में, जो जहां है उसको खत्म कर रहे हैं, उसके उसको कोई चिंता नहीं, जबकि उसके वो बेस वोटर है। एक दूसरा चीज है कि इनके द्वारा जितनी क्या बोलता है प्रचार भाजपा सरकार धर्म को लेके कर रही है, वो मार्केटिंग के रूप में करें कि केवल मैं हूँ तो ये धर्म बचा हुआ है, अन्यथा नहीं बचा हुआ। जबकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग 35-40 साल उम्र हो गया, हम लोग माँ दादा जानते हैं, अयोध्या या चाहे कहीं का नाम बहुत पहले से लिया जाता, हम लोग पहले से आते जाते रहे, हमारे घर पूजा पाठ आज से नहीं हो रहा, पहले से होता है। जिनको ये लगता है यानी कि वो धर्म का लाभ उठा, धर्म का लाभ उठा रहे हैं। तीसरा सब जो आपने उनके बुराई के रूप में है कि इस सरकार ने केवल कहता है लोगों का मानसिक और शारीरिक और आर्थिक शोषण भी कर रही है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लोग, जो कुछ लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, जिसको ये पता नहीं है कि उनका उसके धर्म और अपने सत्ता के लालच में कहां कहां उन लोगों का शोषण हो रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अमित त्रिपाठी। 3 शॉर्ट में बताइएगा, लंबा तंबा नहीं, बिल्कुल। 3 अच्छे काम और 3 वो काम जो आपको नहीं पसंद है। देखिए, 3 अच्छे काम में जैसे भैया लोगों ने भी बोला, आप अलग से कुछ बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है, रोडें बन रही है, सड़कें बन रही हैं, उद्यम भी आ रहा है, रोजगार के अवसर भी, पुल, ओवर ब्रिज, ये सब तो ठीक है। पहला आपने बता दिया जी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य अच्छा हो रहा है। जो क्या अच्छा हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति पहले हुआ करती थी, अभी तो मैं जाता हूँ, मैंने सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को कवरेज किया, अभी भी बच्चे जो है नीचे बैठ के पढ़ते हैं भैया, अभी भी मास्टर साहब लोग बहुत सारे ऐसे हैं, अच्छे भी हैं, अच्छे जो पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मतलब कि अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। वो एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, लेकिन सरकार इस 50-50 का मामला है, 50-50 का मामला आप कह सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सरकार का कार्य ठीक है कि शिक्षा व्यवस्था हम मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हमने जो जहाँ तक हम देखे, चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। तीसरा, और तीसरा काम जो मतलब गरीबों को अनाज वितरण, मुफ्त अनाज का वितरण। अब 3 ऐसे काम बताइए जो मतलब कि आपको नहीं पसंद है। अब 3 जो नहीं पसंद है, वो जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो अनावश्यक रूप से पेड़ कट रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग में ये बहुत समस्या आगे चल के पैदा करेंगे, और यानी कि सड़कों का निर्माण कीजिए लेकिन जो पेड़ काटिए उसके बदले में पेड़ भी लगाइए, पेड़ भी लगाइए, वो नहीं कर रहे हैं। तुरंत लगाइए, तुरंत लगाइए, क्योंकि एक पेड़ को, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, 20 साल का समय है, 15 साल का समय लगता है। दूसरा जो डिजिटल इंडिया के नाम पे और हर विभागों में जो कार्यों की पद्धति है, जो कार्य प्रणाली है, और जो डिजिटलाइजेशन होने के वजह से, ऑनलाइन होने के वजह से, जो बहुत से पक्ष
मतलब कोई एसएससी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं रख पा रहा है, एक बार सबमिट हो गया तो अब वो पत्थर की लकीर हो गई, आपसे कोई त्रुटि हो गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ये एक बहुत जैसे अनपढ़ गंवार आदमी की बात कर रहा हूँ या कम पढ़े लिखे लोगों की, जो डिजिटल होने की वजह से या ऑनलाइन होने की वजह से पूर्ण जानकारी न होने के कारण जो वो सफर कर रहा है, ये बहुत गलत है, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। चलिए, क्या नाम बताया आपने? अमित त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद। तीन मोदी जी के अच्छे काम और तीन बुरे काम। मेरे पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है कि मोदी जी के अच्छे कार मैं आपको बता सकूं। लेकिन मैं जानता हूं कि इस सरकार को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन तीनों पे काम करना चाहिए। इन तीनों पे काम करना चाहिए। इस सरकार ने इन तीनों पे काम नहीं किया है, इस सरकार ने उस पर काम किया है और यही जो है जनता के मतलब बेसिक मुद्दे होते ये हैं। बेसिक मुद्दे हैं, इसी पे काम करना चाहिए। आ जाइए भैया। और इस पर सरकार नहीं काम कर रही है। बहुत नाराज लग रहे हैं आप। नहीं, नाराज नहीं हूँ। नहीं, नाराज लग रहे हैं आप। नहीं, नाराज। अरे कुछ भी तो ऐसा काम किए होंगे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यही अच्छा बोल दिए होते हैं। राम नहीं, राम मंदिर का काम निर्माण करना अच्छी बात है। लेकिन अरे मैंने यही तो कहा कि तीन उनको अच्छा बात बता दी। मंदिर का निर्माण करना सरकार का काम मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है, और सरकार ने किया है, अच्छा है, ये तो न्यायालय का फैसला आया है, न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। मतलब तीन जो आपने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गड़बड़ है, मामला डमाडोल है। क्या नाम हुआ आपका? अमित सिंह। क्या कहेंगे, तीन अच्छे काम बताइए मोदी जी के। पहले हमारी नज़र में तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके दर्शक विरोधी मान लेंगे मोदी जी और भाजपा के। तो जबरदस्ती ये बता दीजिए। तो देखिए, रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को, हमारे युवाओं को पकौड़ा तलो, चाय बेचो, ये भी अच्छा काम माना जा सकता है। कसम से युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है। दूसरा मान लीजिए, झूठ बोलना, अच्छा ये अच्छा काम है, स्वप्न दिखाना। नहीं बोलेंगे तो फिर दर्शक हो सकता है गाली भी दे सोशल मीडिया इस पे आपके। अच्छा चलिए ठीक है, तो झूठ बोलना। और तीसरा जो है, फोटोबाजी करना, अच्छा काम है, अच्छा काम है। अब वो काम बता दीजिए जो आपको पसंद नहीं है मोदी जी के काम। नहीं चल रहा है जो देश के लिए, भाई देश की जनता उनको अगर पीएम चुनी है तो सब कुछ जो भी कर रहे अच्छा है। अब उस पर कमेंट करना तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो विरोधी हो जाएंगे हम। लेकिन तीन ऐसे काम आप व्यक्तिगत अपने स्तर पे बता सकते हैं ना। मंदिर के बारे में ही कुछ कह दिया जाए, भगवान राम हम लोग के आराध्य हैं, लेकिन अगर कुछ कह दिया जाए, नहीं कुछ कह दीजिए तो अभी पता चला राम विरोधी हम लोग बन जाएंगे। जब आप इस देश में पिटाधीश्वरों को जो है राम विरोधी बता दिया जा रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन ही धर्म धार्मिक कामों में, धर्म में ही अपना कमा दिए, वो जीवन का सुख ही नहीं जान पाए, बीवी बच्चों का नहीं जान पाए, अपना धर्म में ही अपना न्योछावर कर दिया, उनको राम विरोधी साबित कर दिया गया। तो हम आप क्या हैं? अयोध्या में एक हैं संत राजू दास जी महाराज, वो तो शंकराचार्य जी को ही राम विरोधी बोल दिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी के सामने जहाँ तक मैं जानता हूँ, राजू दास जी, महंत राजू दास जी की कोई क्षमता नहीं है, कुछ ABCD ज्ञान नहीं है उनको। एक बार जाएं और पिटाधीश्वरों से ज्ञान लें अभी, तब उनके बारे में करें, सूर्य के दीपक दिखाने वाला काम न करें तो बेहतर होगा। तो चलिए भैया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो है ये जो प्रक्रिया है उसको लेकर बहुत कुछ अभी होना बाकी है। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी। तीन अच्छे काम मोदी जी के बता दीजिए। पहला अच्छा काम है, अच्छा काम, बहुत ही अच्छा काम, राम मंदिर। दूसरा अच्छा काम 370। तीसरा अच्छा काम भारत की अर्थव्यवस्था। अब तीन ऐसे काम बता दीजिए जो है जो आपको नहीं सही लगते हैं मोदी जी के। टैक्सेशन का सिस्टम गलत कर दिए, वो टैक्स ज़्यादा वसूल रहे हैं। नहीं, वह ज़्यादा तो वसूल रहे हैं, हर लोगों से, हर जगह से पैसा वसूल रहे हैं, वो चाहे बैंक हो चाहे मिडिल वर्क हो, मिडिल वर्क को ख़त्म कर रहे हैं, ये गलत काम उन्होंने किया। और ये जो गलत काम दे रहे हैं, फ्री राशन दे के ये लोग कमज़ोर वर्ग को और कमज़ोर कर दे रहे हैं। ये वही हाल हुआ कि हम भिक्षा दें, फ्री में दें, अगर किसी को फ्री में देते हैं तो आदमी काम क्यों करेगा। दो चीज़ हो गया, तीसरा? तीसरा ये है कि ये हमारे अभी तो नया है सिस्टम, नया अभी सूचना है, शंकराचार्य विरोध में आ गए हैं, लेकिन जबकि ऐसी बात नहीं है।
इनको शंकराचार्य को निमंत्रण दिए हैं, शंकराचार्य जी नहीं आएंगे, स्वाभाविक ही नहीं आएंगे, इनको भी पता होना चाहिए कि शंकराचार्य जी नहीं आएंगे। अगर आप हैं तो नहीं आएंगे, क्योंकि मुखिया एक ही बन सकता है, या शंकराचार्य या तो पीएम, तो उनको इन्वाइट नहीं करना चाहिए, उनको उनसे आशीर्वाद देना चाहिए, ठीक है आप रहिए हमें आशीर्वाद दीजिए हम जा कर रहे हैं, या तो उनको करने दिए होते आप। ये थोड़ा उन्होंने गलत काम किया है पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए। और शंकराचार्य हैं, अपना उनका महत्व है हिंदू धर्म में, बहुत बड़ा महत्व है उनका, थोड़ा उनका ख्याल इनको रखना चाहिए था। चलिए भाई, हाँ। बाकी आम पब्लिक है, आम पब्लिक बहुत खुश है। चलिए भैया, तो ये हिंदुस्तान है, भारत देश है, और भारत देश में जो है अयोध्या में, भारत देश में ही अयोध्या है, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होगा। ये तमाम लोग थे जिनका अपना अपना मत था, अपना अपना व्यू था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और यह भी बताइए कि मोदी जी का आपको कौन सा तीन काम अच्छा लगता है और तीन काम आपको उनका पसंद नहीं है। जय हिंद।